हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज आपकी क्लास दूसरी के तौर पर हिंदी में फिर से हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीन दिन सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में आपको हिंदी मिलती है और उसके बाद अंतिम 3 दिनों में आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रामीण विकास एवं परिवेश के बारे में। तो आज हमें हिंदी व्याकरण को फिर से एक बार पढ़ना है। ये समस्त कक्षाएं आप सभी लोग जानते हैं कि आपको किसके अंतर्गत दी जा रही, ये सारी कक्षाएं आपको 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत दी जा रही हैं। सारे लोग हर एक कक्षा की नोट्स पाने के लिए सभी वीडियोज आपके फ्री हैं, लेकिन जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है जब तक उसको भैया प्रिंट करा के अपने पास सहेजोगे नहीं तब तक कोई चीजें आपके काम नहीं आती हैं। YouTube की पढ़ाई में एक सबसे बड़ी चीज होती है नोट्स, और नोट्स कोई भी आपका YouTube वाला बंदा वैसे नहीं देता है। चूंकि हमारे संस्थान में सारे नोट्स थे, इस वजह से हम आपको सबसे बेहतर नोट्स देते हैं, जिससे कि हम लोग पढ़ाते हैं आपको जो हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं। इस वजह से 3 महीने के लिए भाई 499 रुपए जो है देना है, इसमें इतनी बड़ी सोचने की क्या बात होती है। तो उसके लिए सारे लोग जो है रजिस्टर कर लीजिए। हम 10 प्लस कोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं। जो हिंदी में पढ़ा रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ आपका चयन सेवा बोर्ड है इसके लिए, ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एसआई आएगी उसके लिए भी यह कायम करेगी। हालांकि जो परीक्षाएं जैसे आएंगी वहां पर मैं आपसे हमेशा क्लासेस के तौर पर मिलता रहूंगा, नई नई क्लासेस लाता रहूंगा। साथ ही साथ अगर आप इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश की एसआई में भी ये आपका पूछा जाएगा। इससे बाहर हिंदी वहां भी नहीं आती है। अगर आप उत्तराखंड में जाओगे किसी परीक्षा के लिए तब भी इससे बाहर हिंदी नहीं होती है। यानी जो हिंदी में पढ़ा रहा हूं ये सभी परीक्षाओं के लिए सम्मिलित रूप से फोकस है, और सबसे ज्यादा इस समय मैं केंद्रित होकर आपको पढ़ा रहा हूं। वह आपका जो मुख्य जो है अगला जो है आगामी अगर परीक्षा की बात करूं तो वह परीक्षा आपकी लेखपाल है, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से केंद्रित हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं कि पढ़ो वहां से जहां से आना हो, ठीक है। मैं इसी बात पर फोकस करता हूं कि अगर हम आपका समय ले रहे, आप लेक्चर देख रहे, ठीक है, तो वह समय आपका कहीं ना कहीं एक सार्थक दिशा में हो। आजकल भटकाव सबसे ज्यादा यूट्यूब पर क्यों है, क्योंकि बच्चों आप ये देखिए कि बहुत सारे यूट्यूबर को मैं भी वॉच करता हूं, देखिए क्या चीजें कहां से उठी और कहां गई कुछ पता नहीं है, बस उन्होंने यूट्यूब चैनल एक खोल दिया और उस पर पढ़ा दिया। अब वहां अगर आप समय लगाओगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप में एक यह भी भाव उत्पन्न होगा कि भाई परीक्षा नहीं निकल रही, क्योंकि आप अभी सही जगह है ही नहीं। तो इस चीज को मानिए, अपने आप पर विचार विमर्श करिए और सही टीम के साथ आगे बढ़ने की जो है कोशिश करिए, वही सफलता का मार्ग है। तो फिर से चीजें, अभी जो है पीडीएफ सब्सक्रिप्शन कोर्स चल रहा है, सारे लोग 399 रुपए 3 महीने का भुगतान करके टीम के साथ भैया जुड़ो, और टीम परीक्षा प्लस के द्वारा हर एक कोर्स, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई आएगी, इस समय लेखपाल आनी है, जो है यूपी ट्रिपल एससी में अन्य वैकेंसी आनी है, सभी के लिए हर एक कोर्स पर फोकस यह पूरा कोर्स आपका चल रहा है। तो अच्छे से जुड़िए, पूरी नोट्स प्राप्त करिए। जो है जैसे मैथ्स होता है तो क्लास हुई, क्लास की क्विज हुई, उस पर फिर प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है जैसा पढ़ाया जाता है, रीजनिंग हुई, रीजनिंग की क्लास हुई, उसकी प्रैक्टिस पेपर हुई। तो ये सब कब मिल पाएगा, ये सब तब मिलेगा जब भैया आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्लास तो हम फ्री आपको दे ही रहे, क्लास वही चीजें दे रहे जिसमें आप इफ और बट नहीं कर सकते हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी यहां पर होती है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों को जोड़िए। कोई भी दिक्कत होती है, किसी क्रैश कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए नंबर आप सभी के सामने है, ठीक है। तो इन नंबरों पर कॉल करके आप जो है जानकारियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर टीम आपको सारी जानकारियां देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो मुख्य रूप से बात करना है दोस्तों, जिसके बारे में हिंदी वर्णमाला में मैंने जितनी चीजें आपको बताई थी उसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी, वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है इसके बारे में पूरा विधिवत परिचर्चा मैंने की है। लेक्चर जो लोग इसको सीधा देख रहे हैं वो लोग 10 प्लस कोर्स में हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाइए। जो विषय 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, जीएस प्लस की, सभी में अलग अलग उनके वीडियोज लगे हैं, वहां से जाकर देखिए।
जैसे मैंने वर्णमाला आपको संपूर्ण जो है पढ़ा दी, उसके बाद मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान भी इसमें कंप्लीट करा दिया, ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया, क्योंकि वर्णमाला से मैंने बताया है कि 3 से 4 प्रश्न न्यूनतम रहते ही रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको अच्छे से समझाया कि वर्णों की भैया संधि कैसे कराते हैं, संधि के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सभी पर बहुत विधिवत जो है लगभग 5 लेक्चर में मैंने कवर किया है। इनकी सबकी क्विज भी मैंने करवा दी है, ऐप पर पड़ी है, आप लोग नए हैं तो वो क्विज निःशुल्क होती है, जाइए ठीक है 10+ कोर्स खोलिए, उस कोर्स के अंतर्गत सभी की क्विज आपको मिल जाएगी। अब आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करने आया हूं वो क्या है, इसको समझिए, किन मुद्दों पर आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। भैया आज हमें पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है शब्द के बारे में कि शब्द होते क्या है, इसी पर बहुत विधिवत चर्चा। क्योंकि ध्यान कीजिए, जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण से ऊपरी आपकी क्या होती है, अक्षर होते हैं, अक्षर से शब्द का निर्माण होता है, शब्द या पद का निर्माण होता है, पद से ऊपरी इकाई पदबंध की होती है, और पदबंध से ऊपरी इकाई जो होती है उपवाक्य की होती है, उपवाक्य से ऊपरी इकाई वाक्य की होती है, और वाक्य से ऊपर आपकी भाषा होती है यानी हिंदी भाषा, समझ गए। तो हमने वर्ण पढ़ लिया, अक्षरों के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि अक्षर की परिभाषा क्या है ना, अक्षरति इति अक्षरः, यानी जिसका क्षरण ना हो सके वह अक्षर है। वर्ण के बारे में बहुत विधिवत हमने पर चर्चा कर ली, आज हमें पढ़ना है कि ये शब्द या पद क्या है, इसके बाद पदबंध को बताऊंगा, उपवाक्य को बताऊंगा, वाक्य को बताऊंगा और भाषा को बताऊंगा। मैंने शुरुआत में भाषा का इतिहास इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं, जैसा एक सही वे में आपका चलना होता है। तो समझ गए, आज शब्द पर परिचर्चा बहुत व्यापक होगी, और अपने आप को बहुत ध्यान से यहां पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लो, जितनी बातें मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। देखो सबसे पहले तो दिमाग में ये लाओ भैया शब्द होते क्या है, शब्द क्या है, जैसे आप तुरंत बोलोगे कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, परिभाषा दिमाग में क्या आती है कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, तो बच्चा मैंने यह शब्द एक लिख दिया, क्या मैंने लिखा का धन मा धन ला, क्या बनेगा, कमल बना, आपने बोला गुरुजी कमल बन गया। देखो प्राइमरी सेंट बोरस से मैं उठाया हूं, अब यही समझ जाओगे क्या चीजें हैं, का धन मा धन ला कमल बन गया, मैंने कहा ला धन मा धन का, अब क्या बन गया बच्चा, आपने कहा गुरुजी लमक लिखा है, अब मैंने कहा ये कौन सा कोई चीजें हैं, फिर मैंने लिखा मा धन का धन ला, अब मैंने पूछा क्या बन गया, आपने बोला गुरुजी मकल बन गया। अब इसमें से मैंने तो भैया अक्षरों का मेल करा दिया, वर्णों का मेल करा दिया, अब इसमें बताओ शब्द तो सभी बनने चाहिए आपके अनुसार, परिभाषा के अनुसार तो शब्द सभी बनने चाहिए, लेकिन शब्द सभी नहीं बने, क्यों, क्योंकि यहां का धन मा धन ला ही आपका सही शब्द बना। दूसरा, अगर ला धन मा धन का करें तो लमक बनता है, जो कहीं से भी शब्द आपका अर्थ नहीं देता, तो हमेशा परिभाषा शब्द की क्या होगी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है वह शब्द की परिभाषा होती है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब ये हमेशा दिमाग में बनाए रखना कि गुरुजी ने बताया था कि वर्णों का ऐसा समूह हो जिसका अपना एक सार्थक अर्थ हो, वह परिभाषा किसके अंतर्गत होती है, वह परिभाषा आपकी शब्द के अंतर्गत होती है। अब बात आ गई कि गुरुजी आपने शब्द तो बता दिया, अब वहां आपने जब शुरू में समझाया था पायदान पर चढ़ना सीढ़ियों पर, तो आपने शब्द के बगल में पद भी लिखा था, पद क्या है, देखो बच्चा पद के बारे में आप परिभाषा पढ़ लो कि यहां पद क्या है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं नोट्स में दे रहा हूं, ठीक है, देखो जो कुछ मुझसे छूट जाता है यहां पर चीजें, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि समस्त जानकारियां यहां पर आपको बता दूं, लेकिन एक आध पॉइंट कुछ ऐसे रहते हैं जो नोट्स में ज्यादा ही दिए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस नोट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ही हितकारी है, ठीक है। देखो अब शब्द के बाद हम बात करते हैं कि पद क्या है, बच्चा देखो शब्द में मैंने कहा कि जैसे मेरा नाम रमन है, आपका नाम कुछ भी है, कमल हो गया, ठीक है, मोहन हो गया, सुरेश हो गया, रमेश हो गया, कुछ भी आपका नाम है, तो यहां पर जैसे लिखा मैंने मोहन,
ठीक है, यहां लिखा मैंने राकेश, फिर मैंने क्या लिखा रमेश लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया सुरेश लिख दिया। अब ये जो आपके शब्द लिखे हैं ये सभी शब्द है, तो फिर पूछिए गुरुजी पद क्या हो गया, शब्द और पद में अंतर क्या है। देखो बच्चा, जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग, जैसे मैंने एक वाक्य यहां लिखा बच्चा कि मोहन स्कूल जाता है, अब स्कूल बोलोगे कि स्कूल बोलोगे, लिखा तो स्कूल ही जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, जो अंग्रेजी में लिखते हो वही शुद्ध है, बोलना वैसे ही चाहिए, मोहन स्कूल जाता है। अब यहां पर मैंने मोहन लिखा है और यहां भी मैंने मोहन लिखा है, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो दोनों आपके शब्द ही लिखे हैं ना बच्चा। यहां लिखा जो हमेशा दिमाग में बना लो कि जब आपके शब्द अलग अलग स्वतंत्र रूप से लिखे हो तो वहां वो शब्द होते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए जहां पर वो वाक्य के सार्थक अर्थ बनाने में प्रयुक्त हो तो वहां पर वह पद कहलाते हैं। समझ गए, जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में सार्थक अर्थ को देने में हो जाए तो वहां शब्द शब्द ना होकर पद बन जाता है। क्लियर हो गया, सब कुछ आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा कि जैसे लगेगा आपको कि क्या चीजें हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। बहुत व्यापक परिचर्चा मैं हिंदी व्याकरण की यहां करूंगा कि आप इसके बाद हिंदी कहीं भी आपके दिमाग में नहीं आएगी कि हिंदी में यह नहीं आता, इसलिए बहुत डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, तो शब्द समझ गए, पद समझ गए बच्चा। अब कहोगे गुरुजी ये शब्द कितने आधार पर बनते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, तो भैया शब्द के बनने के आधार जो होते हैं यह आधार आपके कई हैं, उन्हीं पर हमें व्यापक परिचर्चा करनी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके शब्द के प्रकार कितने होते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि शब्द के भेद। देखो भैया, इसके जब विभेद किए जाएं तो विभेद के आधार कई अलग अलग बनते हैं, शब्द के विभेद में विभेद के आधार अलग अलग हैं, और उन आधार, क्योंकि वो आधार हमारे प्रयोजन के आधार पर हुए हैं। कुछ भी है, संस्कृत जो है व्याकरण है, तो किसी व्याकरण ने इसकी रचना की क्योंकि हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द के आधार बने, उन शब्द के आधारों का जो कहीं ना कहीं आविर्भाव हुआ है, वहां कैसे हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका प्रयोग हमें अलग दशा में करना पड़ा। देखो, शब्द अलग अलग आधार पर होते हैं, क्योंकि आप जानते हो शब्दों में क्या होता है, एक कहावत है अपने उधर, क्या कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी, समझे ना। जैसे आप कुछ कुछ दूरी पर जाइए पानी का स्वाद अलग हो जाएगा, और कुछ कुछ जो है और थोड़ा डिस्टेंस पर बढ़िए तो आपको बातचीत में फर्क मिल, का हाल बा, कैसन बा हो, कैसन है भैया, कैसे है भाई साहब, तो ये सब क्या है, बोलिया बदल गई। ठीक है, तो वही चीजें यहां है। शब्द के भेद देखोगे तो शब्द के भेद के आधार बहुत हैं, इन्हीं आधारों पर अब मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं, तो चलिए एक एक करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी कि शब्द और उसके भेद क्या हैं, अब हमें बात करनी है कि इनके आधार क्या है। देखो बच्चा, शब्द के भेद के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर एक चीज दिमाग में बना लो, यह है क्या कि शब्द के जो भेद होते आधार, उनके चार बनते, यानी चार आधारों को बहुत व्यापक से समझ लो। दूसरी बात, किसी भी परीक्षा में जाओगे जहां 40 प्रश्न अगर हिंदी से आ रहे तो शब्द से यह मान के चलो बच्चा कि कम से कम 8 प्रश्न आएंगे, शब्द से यह मान के चलो कि 8 प्रश्न आएंगे, ये कम से कम है, ये 12 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि शब्द में इतने अलग अलग विभेद हैं कि यहां से प्रश्न हमेशा बनेंगे। ऐसे जैसे ही मैं आगे बताऊंगा आप कहोगे कि गुरुजी सच कह रहे। देखो, पहला जो इसमें आधार बनता है वह क्या है बच्चा, पहला आधार होता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दूसरा जो आधार बनता है या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तीसरा जो बनता है या रचना के आधार पर शब्द को देखा जाता, और चौथा अर्थ के आधार पर देखा जाता, यानी चार विभिन्न आधारों पर जो है इनका क्या किया गया, समावेश किया गया है, और इनमें विभेद चार आधारों पर करते हैं। अब हर एक आधार को आप पढ़ोगे तो यहां व्यापक परिचर्चा आपके समक्ष उत्पन्न होगी, अब इन्हीं पर हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
देखो अभी मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं, उसके बाद हर एक के भेद को समझा दूंगा, इसकी परिभाषा बता दूंगा, तो कभी भी आपको भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। पहला विभेद क्या है, उत्पत्ति के आधार पर समझ लो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके कौन से होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति का आधार मतलब कहां कहां से शब्द आ गए। सबसे पहला क्या बनेगा, आप ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले वेदों की रचना हुई तो वैदिक साहित्य थे, सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक आई। ठीक है, ये भाषा के इतिहास हैं। जब लौकिक संस्कृत आ गई बच्चा, लौकिक के बाद क्या आई, लौकिक के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है। ठीक है, प्राकृत के बाद अवहट्ट, ऐसे ऐसी चीजें बढ़ती चली जाती है। तो उत्पत्ति में जब सबसे पहले आपका क्या था, वैदिक था या लौकिक था, कुछ भी था, संस्कृत था। तो जब संस्कृत हमारा इतिहास है तो आज भी तो इतिहास में कोई ना कोई चीजें रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको एकदम जो है अच्छी तरीके से यह बात मालूम होगी कि संस्कृत के कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग आज हम हिंदी में स्पष्ट रूप से करते हैं। देखो कैसे कैसे, पहली चीज तो यहां यह समझ लो कि उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा होता है विदेशी और पांचवा होता है संकर शब्द। अब ये अलग अलग किताब पढ़ोगे वहां अलग अलग देगा, लेकिन मूल रूप से यह पांच होते हैं। अभी इनकी परिभाषा अच्छे से बताऊंगा। दूसरे ओर अगर बढ़े कि दूसरा क्या है, तो दूसरा रचना के आधार पर शब्द होते हैं, और रचना के आधार पर बाबू जो शब्द होते हैं ये कौन कौन से, पहला होता रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार, ठीक है, आगे अभी मैं परिचर्चा करूंगा कि कौन से कैसे होते हैं। तीसरा देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा इसमें समझ लो प्रयोग के आधार पर जो शब्द बनते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, यानी जिसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाए, विकार पैदा हो जाए, ठीक है, कुछ खराबी हो जाए, विकार मतलब क्या कहते हैं, खराबी हो जाए। और दूसरा होता है अविकारी, कि ये कहीं से भी नहीं सुधरेंगे। देखो विकारी शब्दों के अंतर्गत चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा है विशेषण। अविकारी शब्दों के अंतर्गत भी चार आते हैं, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक। समझ गए, तो चार प्रकार इसके बनते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय बोलते हैं, समझ गए। तो इनकी परिभाषा, इनके मतलब वर्गीकरण को बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत डिटेल में समझाना है मुझे, ठीक है। अगला चीज देख लो, ये प्रयोग के आधार पर हो गए, अगली जो शब्द का भेद है वह अर्थ के आधार पर है बच्चा, ठीक है। अर्थ के आधार पर जब देखोगे तो पहला होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी, चौथा होता है विलोमार्थी। चार प्रकार यहां पर अर्थ के आधार पर आपको शब्द देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिए। पहला बोल रहा रचना के आधार पर, यही तो चीज मैं पहले बताया था कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर बच्चा तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है रूढ़। रूढ़ शब्द क्या, प्राइम नंबर आपने गणित में पढ़ा होगा, संख्या पद्धति में, ठीक है, वही चीज यहां भी लाओ। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका आप कोई खंडन ना कर सको, ठीक है, यानी जिनमें अगर आपने खंड खंड कर दिया उनका तो फिर कोई अर्थ ना निकल पाए, ठीक है। देखो यानी ऐसे शब्द जिनके कोई सार्थक शब्द ना बन पाए, सार्थक खंड ना बन पाए, इन सारे शब्दों को क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते। कैसे, कौन कौन से, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया पेंसिल, तो आपके दिमाग में जाएगा अच्छा वो वाली पेंसिल जिससे लिखते थे, अब वो HB की है कि किसकी है इससे मतलब नहीं, लेकिन आपके दिमाग में पेंसिल जाएगा, ठीक है, पेंसिल दिमाग में जाएगा। मैंने बोल दिया पेन, अब पेन को आप जो है दिमाग में जाएगा कोई भी लिखने वाली, वहां ये मतलब नहीं कि पायलट वाली पेन की ये पेन, पेन गया मतलब कोई लिखने वाली पेन हो गई, ठीक है, वहां ब्रांड से मतलब नहीं। अब पेन को तोड़ दो कुछ निकलेगा ना, जैसे दिन हो गया, घर हो गया, मुंह हो गया, घोड़ा हो गया, आदि हो गया, यानी जो शब्द बोलो और जिसकी इमेज आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाए, मेज मैंने बोला तो खट से दिमाग में बना कि नहीं बना, मेज,
अब आपको दिख गया कि अच्छा वो चार टांग वाली, अब कहीं सुंदर मेज देखो, कहीं काली कहीं पीली, उससे मतलब नहीं, लेकिन मेज की आकृति दिमाग में गई। मैंने बोला कुर्सी, तो कुर्सी की आकृति आपके दिमाग में बनी खट से। हाँ, घोड़ा, तो घोड़े की आकृति आपके दिमाग में बनी कि नहीं बनी? यही क्या है, यही बच्चा रूढ़ शब्द है। जो कुछ बोला मैंने वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी तुरंत खट से, ठीक है? तो ऐसे शब्द आपके रूढ़ होते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखो, यौगिक शब्द वह होते हैं बच्चा जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो, ऐसे शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है? जैसे जैसे पहला उदाहरण लिखा है समाज धन इक, पहला उदाहरण क्या लिखा है आपके सामने, पहला उदाहरण लिखा है समाज धन इक। अब इन दोनों का मेल कराओगे तो सामाजिक बन जाएगा। शब्द कौन सा इस्तेमाल करते, सामाजिक, कहते नहीं मानव एक सामाजिक प्राणी है, समझ गए? दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, दूसरा शब्द जैसे लिखा है वी धन ज्ञान, इन दोनों का मेल होके विज्ञान बनता है। कहते नहीं है कि बच्चा विज्ञान के आप छात्र हैं, विज्ञान की पढ़ाई करके आया हमारा लड़का, ठीक है? और विज्ञान वर्ग का अगर विद्यार्थी है तो कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए। अगला देख लो, विद्या धन आलय लिखा। अब बोलते क्या कि बच्चा विद्यालय गया था, अब आया है हाथ पांव जो है धुल ले और फिर इसका खाना वाना खिलाओ। वैसे कोरोना तो सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है? अब बच्चा घर में ही विद्यालय कर लिया है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका है कौन सा आपके यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द की जो रचना होती है बच्चा ये तीन प्रकार से होती है। यौगिक शब्द की रचना तीन आधारों पर होती है। वह कौन कौन से आधार हैं, इनको समझ लो अच्छे से। पहला तो आपका उपसर्ग होता है, दूसरा जो होता है या प्रत्यय होता है, और तीसरा जो होता है समास होता है। यौगिक शब्दों की रचना तीन आधार पर होती है और इन्हें तीन आधारों को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? कि वो आधार कौन कौन से है, उपसर्ग से कैसे यौगिक शब्द बनते, प्रत्यय से कैसे बनते, समास से कैसे बनते। तो शब्द की रचना जो होती है, ठीक है, वह इन तीन प्रकारों के आधार पर होती है। उनको मैं बहुत व्यापक तौर पर आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं इनके अलावा, अगला जो शब्द का भेद होता है रचना के आधार पर, वह आपका होता है योग रूढ़ शब्द। अब योग और रूढ़ दो चीजें लगी हैं बच्चा, तुरंत डिफरेंशिएट कर दो, इनको अलग अलग कर दो कि योग धन रूढ़ लिखा है, यानी जहां रूढ़ शब्दों के योग से अगर कोई शब्द बन गया तो वह क्या होगा, वह योग रूढ़ होगा बच्चा। कैसे? देखो योग रूढ़ में एक विशेषता और होती है कि दो शब्द मिले और शब्द का अर्थ एक ऐसा निकल जाए जो अर्थ आपका ना खंड खंड हो, वो क्या होगा, योग रूढ़ होगा। देखो ध्यान दो, अगर इसके उदाहरण में बताऊं तो मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है पहला पीतांबर। देखो यहां भी जो उदाहरण मैंने लिखा है यह किसी ना किसी परीक्षा में आए, मैंने इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा है कि जितनी जानकारियां मैं, जितने उदाहरण आपको समझाऊं वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हूं, ठीक है? और इस समय यूपी ट्रिपल एससी के सारे उदाहरणों को लेकर मैं चल रहा हूं, यानी यह नोट्स एकदम लेखपाल विशेष की बन रही, इसलिए इस नोट्स का आपके पास होना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो देखो यहां पर क्या है, पीतांबर लिखा हुआ है, पीतांबर पूछा गया है, पीला है अंबर जिसका। अब पीत धन अंबर, पीतांबर का मतलब क्या हुआ, पीत धन अंबर जिसका वस्त्र पीला हो, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। तो यहां दोनों का अर्थ निकल के एक आया और वह कौन है, श्री कृष्ण भगवान भी तो है पीतांबर। यानी पीतांबर का मतलब हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीला वस्त्र धारण करता है। और हमेशा एक चीज दिमाग में रख लो कि योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत जितने भी आपके जो है शब्द आते हैं, यह लगभग शब्द क्या होते हैं, बहुव्रीह समास के उदाहरण बनते हैं, ठीक है? ये बहुव्रीह समास के उदाहरण बनते हैं। समास को जब मैं व्यापक तौर पर समझाऊंगा तो वहां और अच्छे से इनका विभेद आपको समझाऊंगा। दूसरा शब्द है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी सिद्ध विनायक श्री गजानन, कौन, भगवान गणेश। अगला है दसानन, दस हैं आनंद जिनके, यानी रावण, नीलकंठ। ये सब क्या हैं, ये सभी आपके बहुव्रीह समास के अंतर्गत भी आते, और इन सभी का जो अर्थ है यह रूढ़ है, समझ गए?
चलो भैया बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे। दूसरा क्या प्रकार है, अर्थ के आधार पर समझ लो कि शब्द के मैंने भेद बताए थे। पहला मैंने कहा था एक अर्थी, यानी ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ मिले, कई अर्थ हमें ना मिले, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते, एकार्थी। और एकार्थी में क्या होगा, अगर मेरा नाम रमन है तो रमन बुलाओगे तो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि रमन आपने बोला तो पूरी भीड़ बोले हाँ बताओ क्या काम है, मैं बोलूंगा ना। आपका नाम सुरेश है, कोई बोल दे सुरेश तो आप ही तो बोलोगे। आपका नाम राकेश है, कोई राकेश बोल दे तो राकेश ही बोलेगा, ऐसा तो है नहीं सब बोलेंगे। अब कहा कि मैंने कहा गंगा नदी, तो गंगा नदी एक ही सोचोगे कि यमुना को भी सोच लोगे। ये सब जो नाम है ये एकार्थी नाम है बच्चा, समझ गए ना, ये सब एकार्थी नाम है। अब इसमें तो 50 नाम आएंगे नहीं। अब मैं बोलूं नदी, तब नदी में सोच सकते हो कोई भी नदी, लेकिन मैंने बोल दिया गंगा, तो गंगा बोला तो आपके दिमाग में जाएगा अच्छा गंगा नदी, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं या शब्द क्या होते या एकार्थी होते हैं, इनका 20 नाम मतलब नहीं होता है। दूसरा होता है बच्चा अनेकार्थी, मैंने बताया है ना। देखो अनेकार्थी क्या होते, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिखा है, ये दो जो उदाहरण मैंने लिखे हैं ये परीक्षा में भी आपके आए, जैसे मैंने लिखा है हार शब्द को। अब हार एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। हार का मतलब क्या हो गया, कितने उसकी हार हो गई, हार का मतलब रण चल रहा था पटके पटका, ठीक है। तो उसमें वो जो है क्या हुआ, हारा। और दूसरा कहते हैं हार लाओ भैया का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो जब सिलेक्शन होके बाद घर जाओगे तो वही हार मिलेगा, इसीलिए लेखपाल को बहुत अच्छे से पढ़ो, यहां जितना पढ़ाया जा रहा है इसका विधिवत अध्ययन करो, फिर इतना पठन पाठन आपके लिए संपूर्ण है। यह चीज मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना यहां बताया जा रहा 4 लेक्चर दिन में आ रहे, चारों को पढ़ो बहुत है, उनकी नोट्स पढ़ लो, उनकी जितनी क्विज है उसको लगा लो, समस्त चीजें आप ये मान लो कि सारी समस्याओं का समाधान हमरे हो चुका है। तो हार का मतलब क्या हो गया, एक तो पराजय कि उसकी हार हो गई, वो पराजित हो गया, दूसरा गले की माला, कहते नहीं हार लाओ भैया जरा स्वागत करें, तो समझे ये शब्द क्या है, ये अनेकार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अनेकार्थी का एक उदाहरण और देख लो, जैसे मैंने बोला कर, मैंने बोला कर। अब कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब हाथ होता है, एक कर का मतलब टैक्स होता है, तो कर के दो उदाहरण बन गए। अब बढ़ते हैं समानार्थी शब्दों की ओर, समानार्थी शब्द कौन से होते हैं, समानार्थी का मतलब कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हों, ठीक है, वह शब्द जो समान अर्थ देते समानार्थी शब्द कहलाते। जैसे आकाश, अब आकाश को चाहे नभ लिखो चाहे गगन लिखो चाहे आसमान लिखो, बात तो क्या है समानार्थी ही तो है, एक ही चीजें तो हैं। ऐसे आपका बादल हो गया, ठीक है, बादल में भी मेघ जलत बारिद होता है। अब हम बात करते हैं जो है विपरीत, जितने भी आपके होते हैं विपरीत शब्द, इनके बारे में बात करते हैं। तो विपरीत शब्दों में देखो, वह शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको विपरीत तार्थी शब्द बोलते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें कहां पर हो एक दूसरे का विलोम मिले, ठीक है। बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, जैसे इनके उदाहरण जो मैंने यहां लिखे हैं वो भी उदाहरण कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पहला क्या लिखा है, जय, जय का जब आप विलोम देखोगे तो पराजय, पाप, पूर्ण, दिन, रात, ये एक दूसरे के विलोम हैं उल्टे, इस चीज को अच्छे से समझिए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, तीसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों की बात करेंगे बच्चा, तो इसमें देख लो कौन कौन से आते हैं। देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से विधिवत आपको बताया था, उत्पत्ति मतलब कहीं से भी वो उत्पन्न हुए हो, तो ऐसे शब्दों की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहला आता है तत्सम शब्द। तत्सम यानी ठीक उसके जैसा, ठीक वो उसके बराबर, ठीक है। तो इसमें यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान, ऐसे शब्द जो जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता जैसे संस्कृत में करते, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं, समझ गए बच्चा। दूसरा क्या है, जैसे उदाहरण देख लो, अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य, माता, पिता, ये सभी किसके तत्सम शब्दों के आपके उदाहरण है। दूसरा है तद्भव, तद्भव का मतलब समझ लो, तत् धन भाव मतलब उससे उत्पन्न हुआ,
तत्धन भव का मतलब उससे उत्पन्न हुआ, ऐसे शब्द जो किससे संस्कृत से उत्पन्न हुए हो उनको क्या बोलते, तद्भव शब्द का बोलते। चलिए तीसरा विभेद देखते हैं जिसको हम बोलते हैं देशज आपके शब्द, ठीक है। अब देशज शब्द क्या है, देसी, समझते हैं ना, कहते हैं देसी वाला आम है, तो देशज शब्द समझ लो यानी ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए वह देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जैसी हमारी परिस्थिति है वैसे ही क्या हो, हम कहते नहीं क्या देख रहे हो, और वहीं पर हमारे एक मित्र है हमसे पूछे थे, हमसे पूछते हैं क्या लौकत बाग की ना हो, तो ये क्या हो गए, ये अपनी अपनी भाषा के हो गए, देसी शब्द हो गए, ठीक है। तो समझ गए, कुछ और शब्द इसमें है वो तो बोलियों के अंतर्गत भी आ जाते हैं, लेकिन बोलियों में शब्द ही तो होते हैं बच्चा, ध्यान रखना। देखो जैसे अगला इसमें उदाहरण देखे देशज में, थैला, ठीक है, गड़बड़, लोहा, पेट, टांग, ये सब क्या है, ये सब भैया देशज शब्द है, आवश्यकता पड़ी हमने कर लिया। इसी में आपका कौन सा आता है, लोटा भी, लोटा जानते हैं ना, लोटा और बाल्टी वाला वही चीजें। अगला देख लो, अगला मैंने लिखा है विदेश शब्द या आगत शब्द। विदेश शब्द जो होते हैं ये बाहरी हैं भैया, ठीक है, क्योंकि अपने भारत में सिर्फ हम ही लोग नहीं थे, पता नहीं कहां कहां से किस किस मुल्क से सीधा मुंह उठाए और भारत पहुंच गए, ठीक है, यहां पर आए शासन किए, शासन करके वंशावलियां अभी भी एक आदि की मौजूद हैं, और तो सब स्वाहा हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं मतलब जहां मर्जी वहां से मुंह उठा लिए और हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। ऐसे विदेशियों ने, जब विदेशी आएंगे तो उनकी जो भाषा होगी उस भाषा के शब्द यहां होंगे, क्योंकि उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से देखो अपने यहां दो तरीके के शब्द आए, क्योंकि विदेशियों में दो अपने यहां थे आक्रमणकर्ता, एक तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से जो अरबी फारसी शब्द आए हैं यह विदेश शब्द हैं, और दूसरा यूरोपीय कंपनियों के आगमन एवं ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जो शब्द आए हैं यह भी आपके क्या हैं, विदेश शब्द हैं। तो हिंदी में दो आते, एक तो मुस्लिम शासन के प्रभाव के अरबी फारसी वाले, और दूसरा अपने यहां अंग्रेजी के जो शब्द आए, फारसी के जो शब्द आए, ये यूरोपीय कंपनियों और ब्रिटिश शासन के आधार पर जो यहां पर शासन किए उनके शब्दों को भी यहां पर रख लिया गया। तो विदेशज में दो शब्द आते हैं। अब मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों का एक कलेक्शन किया है, ठीक है, इसको नोट्स में मैंने दे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, अरबी शब्दों को जो परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, आए हैं या आने के चांसेस हैं, उन सभी का यह कलेक्शन है। तो ये नोट्स में मैंने दे दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, अलग अलग फारसी कौन से हैं, अंग्रेजी कौन से हैं, तुर्की कौन से हैं, पश्तो में कौन से हैं, पुर्तगाली में कौन से हैं, ये सब आने की संभावना है, उन्हीं को मैंने लिखा है, नोट्स में दे दिया है पूरी चीजें, उनको वहां से पढ़ लीजिएगा। अगला देखो संकर शब्द कौन से होते हैं। संकर शब्द में देखें अगर दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने जो शब्द होते हैं या संकर कहलाते हैं। संकर शब्द की परिभाषा क्या है, दो अलग अलग स्रोत हो, ठीक है, एक अंग्रेजी से आ गया एक देसी आ गया, दोनों मिल गए और मिलने के उपरांत एक शब्द का निर्माण कर लिए, वह संकर है। इंग्लिश में क्या बोलते हो, हाइब्रिड, समझते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहां पर एक शब्द, जैसे आपके सामने छाया धनदार, दोनों मिला तो छायादार बन गया, पान धनदान पानदान बन गया, ठीक है, रेल धन गाड़ी, अब ये रेलगाड़ी बन गई, तो ये सब आपके किन आधारों पर है, ये सब आपके उत्पत्ति के आधार पर है। अगला प्रयोग के आधार पर देख लो, तो प्रयोग के आधार पर मैंने बताया कि दो आधार होते, एक तो आपका बनता है कौन सा, एक बनता है विकारी, यानी जिनमें कोई खराबी आ जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, उनको कहते हैं विकारी, और दूसरा ऐसे कि चाहे जितना गुरुजी पीटे पाठशाला में लेकिन सुधरेंगे नहीं, वो होते हैं अविकारी। दोनों तरीके के, ठीक है, बच्चे मिलते हैं स्कूलों में, एक ऐसे जिनको डांट भी दो तो मान लेते हैं अच्छा गुरुजी ने कहा था, और एक ऐसे भी है जिनको चाहे जैसे डांटो, चाहे जैसे हाथ से मारो, चाहे जैसे लतियाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं, वो अविकारी, हर परिस्थिति में कुछ भी कर डालो लेकिन सुधरेंगे नहीं, ठीक है, तो वो अविकारी होते हैं। कुछ अविकारी तत्वों से मैं भी परेशान हुआ हूं कभी कभार। देखो विकारी शब्दों में देख लो, ऐसे शब्द जिनका रूपांतरण लिंग वचन कारक,
ठीक है, इनके आधार पर हो जाए यह भिखारी होते। अब इन्हीं को आगे बहुत व्यापक रूप से पढ़ाऊंगा, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनमें हम बात करेंगे व्यापन जो है व्याकरणिक कोटियां, एक अलग से पूरा मैं इसको इस चैप्टर को अलग करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के नए सिलेबस में, ठीक है, जब आप युवा विकास पढ़े होंगे या फिर वीडियो का सिलेबस आया होगा, तो व्याकरणिक कोटियां एक अलग से इसने बना के रखा है, जिसके अंतर्गत 10 पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं 10 जो है विषयों पर हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, ये पूरा अलग से चैप्टर में, ठीक है, पूरी चीजें सॉर्ट आउट करके रखा हूं, इसको अलग से पूरा पढ़ाऊंगा बहुत व्यापक तौर पर, ठीक है। तो ये जो लिंग वचन कारक है, काल है जो है आपका, फिर उसके अलावा होती है क्रिया में जब बढ़ोगे वाच्य हो गया, ठीक है, क्रिया का पक्ष हो गया, क्रिया की वृत्ति हो गया, अनुपात जो है निपात हो गया, ऐसे बहुत सारी व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आते हैं, जिन पर हम लोग बहुत विधिवत पर चर्चा करेंगे, वो पूरा व्याकरणिक कोटियों का एक अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगली चीज अगर देखें तो भिखारी शब्दों में भैया, ठीक है, क्या मैंने बोला कि जिन पर फर्क किसका हो, लिंग वचन कारक काल का हो, ये सब क्या होते हैं भिखारी। जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, अब यहीं पर लिंग परिवर्तन कर दो, लड़की बोले तो क्या बोलोगे, लड़की पढ़ रहा है, गलत हो गया, लड़की पढ़ रही है, तो देखो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यही चीजें हैं, समझे। अगर ऐसे शब्द मिले जिनमें लिंग वचन कारक इन सभी का क्या पड़ता हो, इन सभी का प्रभाव पड़ता हो, तो ये शब्द भिखारी। आगे बढ़ लो भैया, इनकी चार कोटियां हैं विकारी शब्दों की, मतलब इनके चार भेद हैं। पहला भेद आपका संज्ञा कहलाता, यानी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, या गुण दशा इन सभी का बोध कराए, ये शब्द आपके संज्ञा कहलाते, ठीक है। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी नदी का नाम, पर्वत का नाम, किताब का नाम, ठीक है, स्थान का नाम, दिल्ली, बंबई, आगरा, कलकत्ता, ठीक है, ये सब हो गया, देश का नाम, कुछ भी हो, ये सभी गुण हो गया, ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदार, बेईमान, ठीक है, ये सब का ऐसे शब्द हैं, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे इसी में अगला आपका क्या है, दूसरा आपका होता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब यह हो गया कि जैसे मेरा नाम रमन है, आपका नाम आशुतोष है, ठीक है, कोई और बैठा है जिसका नाम मोहन है, अब तीनों लोग हम पर चर्चा कर रहे, अब उसमें कोई आया, अब कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि अच्छा रमन तुम भी चलो वहां पर, ठीक है, मोहन तुम भी चलो, राकेश तुम भी चलो, वो बोल दिया कि सभी लोगों को बुलाया गया है, आप सभी चलिए, ठीक है। अब ऐसे शब्द, या वह किसी से पूछा गया कि वो तीनों लोग क्या कर रहे, अब ये नहीं बोला गया कि मोहन, राकेश, अजय क्या कर रहा, वह क्या कर रहे, यानी ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल संज्ञा की जगह पर हो, क्योंकि बच्चा देखो क्या लिखा है, सर्वधन नाम, यानी ऐसे शब्द जिनका सभी नामों के में प्रयोग कर लो वो सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वाह, अब हमने बोल दिया वह जा रहा है, अब कौन जा रहा है भैया, किसी के लिए बोल सकते हो, यहां यह नहीं है कि यह रजिस्टर्ड नाम है तुम नहीं रख सकते हो। अब क्या बोलते हैं यूपी वाले, हम क्या बोलते हैं यहां पर, बोलते हैं हम जा रहे हैं, मतलब 20 की फौज है हमारे साथ, क्या यूज करते, वो नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूं, कहते हम जा रहे हैं, अरे भैया अकेले जा रहे हो कि पूरी पब्लिक लेकर जा रहे हो साथ में, कहते नहीं हम बाजार जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ, अरे भैया तुम एक जा रहे हो ना, तो वहां मैं बोलो मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन बोलेंगे क्या हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नवाबी। तीसरा क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है बच्चा ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। करना और होना में विभेद जानते हो, करना का मतलब क्या, सीता पढ़ रही, राम खा रहा, मोहन रो रहा, वो गा रहा, होना का मतलब मैं कमरे में हूं, मैं बाथरूम में हूं, मैं छत पर हूं, कहीं हो, ये होता है होना, ये भी एक क्रिया है, मैं कमरे में हूं, तो कमरे में होना एक क्रिया है। अब आप कहो कमरे में है ये तो स्थान हो गया ना, क्रिया है, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या, मैंने इसीलिए दोनों शब्दों को लिखा कि करना या होना पाया जाए वह क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया के विभेद वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चौथा होता है बच्चा आपका विशेषण। विशेषण क्या है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते, विशेषण कहलाते, जैसे अच्छा, बुरा, नीला जो है, भारी, मीठा, सरल, जटिल आदि। अगला है आविकारी। आविकारी में मैंने बताया कि पीट मार तोड़ के लतियाओ हथियाओ कुछ भी कर डालो सुधरे ना,
वो क्या है, यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल इन सभी का कोई भी भेद असर नहीं पड़ता, वो आविकारी कहलाते। समझ गए? तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। इनके चार भेद, इनको अव्यय बोलते, अव्यय क्यों बोलते, ठीक है, क्योंकि दुष्ट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, आप समझदार हो। देखो अव्यय होते हैं, अव्यय के पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण। जैसे बोलते नहीं, अरे भैया धीरे चलो, तो चलना क्या है, क्रिया है, लेकिन धीरे विशेषण है, तो धीरे चलो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, धीरे शब्द क्रिया विशेषण। तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तो आ रहे हो क्रिया है, लेकिन कब आ रहे ये क्रिया का विशेषण है, ठीक है। सदा यही संबंध बोधक अव्यय होता है, इनमें सभी में अव्यय शब्द जुड़ जाता है। तो संबंध बोधक का मतलब क्या, कि वह शब्द जो अव्यय को किसी संज्ञा के बाद आकर क्या करें, उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएं। जैसे राम की अपेक्षा श्याम ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, सीता गीता समान है पढ़ने में, तो ये सब शब्द क्या है, संबंध बोधक है। तीसरा बच्चा आपके सामने लिखा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय, ठीक है, आके जोड़ दे, इंटरकनेक्ट कर दें। जैसे राम और श्याम, मोहन या सोहन कोई चला जाए यार, ठीक है, तो ये सब शब्द क्या है, ये समुच्चय के अंतर्गत आते हैं, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि क्या, अरे राम की नौकरी लग गई, वाह भैया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सब शब्द जब सुनने को मिले, कि कोई सुन के, ठीक है, जब आपकी नौकरी लगी और लेखपाल की ज्वाइनिंग आएगी, तो पड़ोसी वाले बिना कहे चार दिन खा नहीं पाएंगे, ठीक, वो सुनेंगे अरे नौकरी लग गई उसकी, ठीक। और पहले वही चीजें क्या होती है, मैं एक कहानी आपको बाद में किसी दिन सुनाऊंगा, ठीक है, एक कहानी आप जो है परसों की कहानी किसी दिन सुनाऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि परसों की कहानी क्या थी। अगले लेक्चर में हिंदी वाले में परसों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि परसों क्या थे, परसों कैसे हुए, ठीक है। तो आज के सारे शब्दों पर मैंने विभेद आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, इसके बाद एक एक करके मैं शुरू करूंगा, ठीक है, कि भैया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो प्रकार है उनके अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब अगला जो लेक्चर शुरू होगा वह इस अनुसार पूरा आना प्रारंभ होगा, तो अच्छे से पढ़िए, कैसे लेक्चर, कैसे टीम आपके साथ मेहनत करती है, हर एक लेक्चर में अपना रिव्यू दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ठीक है। बाकी हम लोग हैं, पूरी तरीके से टीम के साथ जुड़ो, नोट्स को प्राप्त करो, सब्सक्रिप्शन जरूर लो, और जितने खाली दोस्त बैठे ना सभी को बुला लाओ कि अच्छी जगह चलो, अच्छा पढ़ो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।